दुबई के लोग जो रेत में गाड़ियां चलाते हैं, आखिर उनकी ये गाड़ियां रेत में फंसती क्यों नहीं है? जबकि हम जो गाड़ियां चलाते हैं वो तो रेत में धस जाती है। तो फिर दुबई वाले ऐसी क्या तरकीब लगाते हैं जिससे उनकी गाड़ियां डेजर्ट सफारी के दौरान फंसती नहीं है? दरअसल जब भी इन गाड़ियों को डेजर्ट सफारी के लिए ले जाया जाता है तो हमेशा गाड़ियों के चारों टायर्स की हवा कम कर दी जाती है ताकि गाड़ी रेत में ना फंसे, और अगर फिर भी गाड़ी रेत में फंस जाती है तो टायर के नीचे पानी डालकर रेत को गीला कर देते हैं जिससे गाड़ी आराम से निकल जाती है। अगर आप कभी दलदल में फंस जाते हो तो कुछ इस तरीके से बाहर निकलो। मूवीज में तो गलत दिखाते हैं कि दलदल में ऐसे नीचे जाते ही रहते हैं, रियलिटी में दलदल में फंसने पर अपने पैर को गोल गोल एक जगह पर घुमाते रहिए। इससे होगा ये कि उस जगह पर गड्ढा बड़ा होने लगेगा, और फिर उस पैर को धीरे धीरे करके बाहर निकाल लो। उसके बाद उस पैर के घुटने को दलदल में रख कर सिमिलर तरीके से दूसरे पैर को भी बाहर निकाल लो। साधारण नेल कटर से नाखून काटते टाइम कभी कभी स्किन भी कट जाती है, और ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये है एक ऐसा नेल ट्रिमर जो नाखून को चूड़ा करके काटता है, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये नाखूनों को बाहर नहीं फेंकता बल्कि उसे अंदर ही स्टोर करके रखता है जो बाद में निकाल कर फेंका जा सकता है। वही इसमें लाइट भी लगी हुई है इसलिए अंधेरे में भी इससे नाखून काट सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इसका कोई भी यूज है क्योंकि यहाँ पर आज भी 90% लोग ब्लेड से ही नाखून को काटते हैं। बात तो सही है।